हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, KTM ने रिसेंटली अभी अपनी ड्यूक 125 का न्यू मॉडल इंडिया में लॉन्च किया है। थोड़े टाइम बाद इंडिया में यामहा की MT125 भी आने वाली है। तो MT125 और ड्यूक 125 दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक बेस्ट है? क्या आपको ड्यूक 125 ले लेनी चाहिए या MT125 के लिए वेट करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम दोनों बाइक्स का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले दोनों बाइक्स के ओवरव्यू के बारे में बातें करते हैं। तो आप देख सकते हैं ड्यूक 125 2020 वेरिएंट का जो लुक है वो एग्जैक्टली ड्यूक 200 BS6 के जैसा ही है। बस यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं और इसमें हमें सिर्फ दो कलर देखने को मिलते हैं, ऑरेंज एंड व्हाइट। वहीं MT125 का लुक MT15 के जैसा है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और कलर्स के अकॉर्डिंग इस बाइक के अलॉय व्हील्स का कलर है। तो लुक के मामले में आपकी अपनी चॉइस होगी, आपको दोनों में से कौन सी बाइक लुक के मामले में अच्छी लग रही है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ड्यूक 125 2021 मॉडल में इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पर वही पुराना 124.7 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 6 गियर बॉक्स के साथ आता है। ये इंजन 14.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9250 RPM पे और 12 Nm यहाँ पर टॉर्क है 8000 RPM पे। वहीं MT125 में भी हमें एग्जैक्टली 124.7 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। ये इंजन बिल्कुल R15 V3 और MT15 के इंजन के जैसा ही है, बस यहाँ पर कैपेसिटी थोड़ी कम है। ये इंजन लगभग 15 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 9000 RPM पर और 11.5 Nm यहाँ पर टॉर्क है 8000 RPM पे। तो दोनों बाइक की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। MT125 में हमें 0.5 PS पावर ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं ड्यूक 125 में 0.5 Nm टॉर्क ज़्यादा है। दोनों बाइक में हमें फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं और दोनों बाइक में सिंगल चैनल ABS भी है। बाकी ब्रेकिंग काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि बाइक में टायर साइज क्या है। तो दोनों बाइक के टायर साइज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। ड्यूक 125 में हमें फ्रंट में USD फोक्स मिल जाते हैं और रियर में मोनोशॉक अप सस्पेंस मिल जाता है। वहीं MT125 में भी हमें रियर में मोनोशॉक अप सस्पेंस मिलता है और फ्रंट में USD फोक्स मिल जाते हैं। लेकिन जब MT125 इंडिया में लॉन्च होगी तो इसमें हमें फ्रंट में USD फोक्स की जगह टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे। यामहा ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि यामहा को इस बाइक की प्राइसिंग कम से कम रखनी है और देखा जाए तो टेलीस्कोपिक फोक्स इंडियन रोड के हिसाब से ज़्यादा रिलायबल भी हैं। ड्यूक 125 में हमें फ्रंट में हेलोजन लाइट्स मिल जाते हैं और राइट साइड में LED DRLs भी मिल जाते हैं। यहाँ पे LED DRLs का साइज काफ़ी बड़ा है, आपको LED लाइट की कमी महसूस नहीं होगी। बाकी पीछे की टेल लाइट और इंडिकेटर्स LED के हैं। वहीं MT125 में हमें फ्रंट में पूरी की पूरी LED लाइट्स देखने को मिलती है। पीछे की टेल लाइट भी LED की है, बस जो इंडिकेटर्स हैं वो बल्ब वाले हैं। ड्यूक 125 में हमें ड्यूक 200 के जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि पुराने ड्यूक 125 में भी मिलता था। वहीं MT125 में हमें नेगेटिव डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ड्यूक 125 के कंपैरिजन में फीचर ज़्यादा है। यहाँ पर आप अपनी गियर पोजिशनिंग और रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं। ड्यूक 125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm, वहीं MT125 का ग्राउंड क्लियरेंस है 140 mm। MT125 की सीट हाइट है 810 mm, वहीं ड्यूक 125 की सीट हाइट है 818 mm। ड्यूक 125 का वेट है 141 kg और यहां पर हमें 13.5 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वहीं MT125 का वेट है करीब 138 kg और यहां पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर की। दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड अप टू 120 किलोमीटर तक की होने वाली है और दोनों बाइक्स लगभग 40-45 km/h तक का माइलेज दे देंगी। अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ड्यूक 125 2021 वेरिएंट का प्राइस है करीब 1.5 लाख रुपीस, ये मैं आपको एक्सोरूम प्राइस बता रहा हूँ। वहीं MT125 अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये बाइक नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने वाली है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है करीब 1.1 लाख से 1.2 लाख के बीच। तो प्राइसिंग में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप होने वाला है, बल्कि MT15 जो कि एक 155 cc की बाइक है उसकी प्राइसिंग भी ड्यूक 125 से कम ही है। तो मैंने इन दोनों बाइक्स के फीचर्स बता दिए, आपको ओवरऑल इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका मेरे लिए कोई सवाल है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।